इक्वल्स टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल्स टू बी कॉस थीटा। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, डी वाई बाय डी एक्स हम निकालेंगे कैसे, डी वाई बाय डी थीटा वाई का डेरिवेटिव पैरामीटर थीटा के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय एक्स का डेरिवेटिव पैरामीटर थीटा के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाय डी थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास डी वाई बाय डी थीटा कैसे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड। तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू बी तो कॉन्स्टेंट है, कॉस का क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से यहाँ से निकालेंगे डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू ए तो कॉन्स्टेंट है और कॉस का क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस साइन थीटा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। ठीक अब ले आगे यहाँ वैल्यू रख देते हैं, डी वाई बाई डी थीटा कितना आया है माइनस बी अपॉन माइनस बी साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कितना आया है माइनस ए साइन थीटा। अब देखो माइनस से माइनस गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया और ये आंसर आ गया हमारे पास क्या बी अपॉन ए। तो अब बच्चे बोलेंगे पैरामीटर के फॉर्म में नहीं आया, आया है यार कैसे पता है, बी अपॉन ए को तुम क्या लिख सकते हो, यही आंसर है, आंसर तो यही है, बट बी अपॉन ए इंटू थीटा की पावर जीरो लिख सकते हो कि नहीं, किसी भी वेरिएबल की पावर जीरो हमेशा वन ही तो होता है। ठीक तो आया तो है वो, बस दिख नहीं रहा है तुमको, बी अपॉन ए कॉन्स्टेंट दिख रहा है, कर लो।